नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल रैली है। 5 जिलों के 23 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली है। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में पीएम मोदी की रैली है। 23 विधानसभाओं के 122 संगठनात्मक मंडलों पर वर्चुअल रैली होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल रैली है। 23 विधानसभाओं के 122 सांगठनिक मंडलों पर वर्चुअल रैली होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जन चौपाल के जरिए वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को जन चौपाल नाम दिया गया था। वर्चुअल रैली में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रैली में फिजिकल रूप से करीब 1 लाख लोग जोड़े जाएंगे। करीब 1 लाख लोग फिजिकली जुड़ेंगे और रैली में वर्चुअली करीब 20 लाख लोग जुड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली आज होने जा रही है। पीएम मोदी की आज वर्चुअल रैली होगी, जिसे जन चौपाल नाम दिया गया है। 1 लाख लोग जो कि सीधे तौर पर जुड़ेंगे इस रैली से, वहीं करीब 20 लाख की संख्या में लोग वर्चुअली इस रैली से जुड़ने जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सदर सीट से सीएम योगी नामांकन भरेंगे। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और इसमें उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहेंगे और 4 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी जगह यानी कलेक्ट्रेट परिसर में थोड़ी देर में आएंगे और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पर्चा दाखिला करेंगे। यानी सदर विधानसभा सीट से आज योगी आदित्यनाथ का पर्चा दाखिला होना है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे, साथ में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कलेक्टेड परिसर है, पूरी तरीके से यहाँ पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। यानी कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ रहेंगे और साथ में धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यानी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से रवाना होंगे और सबसे पहले वो जाएंगे एयरपोर्ट, जहाँ पे अमित शाह का स्वागत के लिए पहुंचेंगे और वहां पे अमित शाह के साथ वापस इसी कलेक्ट्रेट में आएंगे। और कलेक्ट्रेट में जो है आज देश के गृह मंत्री साथ में जो है प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां पे आज साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट है और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के बाहर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बैरियर लगा दिया गया है। बैरियर से पूरी तरीके से यहाँ पे रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक इधर से इस रोड से गुजर नहीं सकती है। साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे एयरपोर्ट से पहुंचेंगे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद उसके बाद जो है अमित शाह भी वहां पे मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी गुरु मंत्र देंगे। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में यानी कि कार्यकर्ता सम्मेलन होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बैरियर से, जो सामने बैरियर लगा है, यहीं से फिर पैदल आएंगे। पैदल उनके साथ 2 समर्थक होंगे और समर्थक आकर यहां पे 11:30-12 बजे लगभग यहां आने की संभावना है। 11:30-12 बजे वो एडीएम वित्त एवं फाइनेंस के कोर्ट में जाएंगे, वहां पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता का, जो गोरखपुर से लाइव इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए और बड़े दिग्गज तो उनके साथ रहेंगे इस दौरान, साथ ही कितने और प्रस्तावक ऐसे होंगे जो सीएम के साथ मौजूद रहेंगे जब नामांकन दाखिल होगा? बिल्कुल अमित, मैं आपको दिखा दूं कि ये पर्चा दाखिला होना है कलेक्टर परिसर में, वहां इस समय मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ से कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है, यहाँ बैरियर लगा दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की जो है
वो परमिशन नहीं दी गई है, केवल यहाँ पुलिस प्रशासन और मीडिया यहाँ पे मौजूद है। सामने ही देखेंगे आप या एडियन वित्त एवं फाइनेंस की जो है सामने कोर्ट है, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ और अमित शाह व धर्मेंद्र प्रधान साथ में ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे दो प्रस्तावक भी उनके साथ रहेंगे जो आज वो साक्षी बनेंगे। पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है, पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट है। आपको मैं दिखाऊंगा कि कलेक्ट्रेट परिसर में किस तरीके से यहाँ पे जो है मीडिया का जमावड़ा हुआ है और सामने जो मुख्य गेट के जो है बंद कर दिया गया है, केवल मीडिया को अंदर आने की एंट्री दी गई है और जिला प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़ी देर पहले मंदिर में रुद्राभिषेक उन्होंने किया और रुद्राभिषेक के बाद वो अभी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जो कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में ही है, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित, जनसभा क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे और अमित शाह गुरु मंत्र भी देंगे। वहां से ठीक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने के बाद इसी कलेक्ट्रेट परिसर में आएंगे, यानी कि जो मुंड गेट है वहां से 3-4 लोग पैदल ही आएंगे और यहां पे आकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, और आगे भी आप इस पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। कई कद्दावर नेताओं ने आज नामांकन किया, जिसमें लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजीव गांधी ने नामांकन भरा। चलिए आपको सुनाते हैं कि नामांकन के बाद इनका क्या कहना है। लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव गांधी हमारे साथ हैं। आज नामांकन किया, अपने आखिरी दिन था, बहुत उठा पटक रही, कभी नाम बदलने की भी चर्चाएं रही, क्या लगता है क्या वजह रही सब चीजों के पीछे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कैंट क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और आज हमने पर्चा दाखिल किया है। और जो आप बता रहे हैं ऐसे कुछ नहीं, आज सिंबल भी मिल गया था और पर्चा भी दाखिल हो गया। नहीं, कुछ लेख बहुत अटकलें थी कि कभी मयंक जोशी का नाम कैंट विधानसभा से, कभी जो है अब तो पर्चा दाखिल हो गया, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लड़ाई किस मुद्दों को लेकर लगता है कि जो आप जनता के बीच जाएंगे तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जो बहुत अहम हैं? देखिए, लगातार तीन बार से मैं पार्षद हूँ मोतीलाल नेहरू वार्ड से और मैंने काम किया है, लगातार जनता ने 3 बार जिताया है। इसी कड़ी में जनता के ही आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिला है और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और मैंने काम किया, इसी बल पे, काम के बल पे ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि काम करके दिखाए। लड़ाई किससे मानते हैं, कौन से दल है जो मुख्य विपक्ष में आपको नजर आते हैं? कोई दल नहीं है, जो काम करेगा उसी का दल है, बाकी कौन सा दल है। और जो बाकी समाजवादी पार्टी का जो और पूरे प्रदेश में जो आप देख रहे हैं माहौल, उसको देख के क्या लगता है कि आने वाला समय 2022 में? आज मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ 10 मार्च को समाजवादी पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, राजू गांधी हैं, ये कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनको लेकर ही अटकलें थी कि यहाँ पर जुदिता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे मयंक जोशी इस सीट से अपना चुनाव लड़ेंगे समाजवादी के सिंबल पे, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पे फिलहाल आज विराम लगते दिख रहा है। राजू गांधी ने भी अपना नामांकन कर दिया है और देखना होगा इसके बाद इनकी लड़ाई कितनी मजबूत होती है, क्योंकि कैंट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक इनके सामने नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। और इस बीच जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जालौन दौरा है। 11:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2 बजे उरई में जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा और 2:30 बजे पुंखराया कानपुर देहात जाएंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन दौरे पर हैं और 2:30 बजे पुंखराया कानपुर देहात जाएंगे जेपी नड्डा। एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जालौन दौरे पर हैं। विधानसभा के पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके पहले पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा कार्यक्रम तय होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी उनकी जनसभा हुई है और आज जालौन पहुंचेंगे जेपी नड्डा। हमारे सहयोगी दिव्यांशु कुमार फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जालौन में आज बीजेपी के लिए काफी अहम दिन होने जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका यहाँ पर तय किया गया है? मैं आपको बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा का आज जालौन दौरा है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान 11:30 बजे पर कोच के एसआरपी इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। 12:25 तक माधवगढ़ विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से एक
15 पर उरई की जीआईजी मैदान में पहुंचेंगे, जहां 2 बजे तक उरई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर मामला मूल मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जेपी नड्डा 2:30 बजे पुखराया कानपुर के लिहाज के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिवांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान ने अपने 9 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। गुरुवार को जारी हुई इस लिस्ट के अनुसार लखीमपुर से उस्मान सिद्दीकी, शिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा और डुमरियागंज से इरफान अहमद मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। एआईएमआईएम ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। गोरखपुर ग्रामीण से मोहम्मद इस्लाम को अपना प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। वही इलाहाबाद उत्तरी से मोहम्मद अली चुनाव लड़ेंगे। प्रतापपुर से सैयद मोहम्मद मुंतजार का नाम फाइनल किया है पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर। सुराम से सीताराम सरोज चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें गोपालपुर से अब्दुल्ला का नाम तय किया है। 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजियों का दौर बेहद तीखा होता चला जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा की शिकायत करते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें पार्टी ने अनुरोध किया है कि आयोग योगी को आदर्श आचार संहिता के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी करे। सपा की ओर से चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है उसमें लिखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादित, संयत और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं है। सपा के पत्र में आगे कहा गया है कि सीएम योगी अपनी सभाओं में कह रहे हैं लाल टोपी मतलब दंगाई। इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा कि ये जो गर्मी दिखाई दे रही है ये सब शांत हो जाएगी। ये कैसे शांत होगी मैं सब जानता हूं। ये भाषा अलोकतांत्रिक और लगातार धमकी देने वाली भाषा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा है। 11:45 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। 12:30 पर ताज कन्वेंशन में प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। आगरा में जनसंपर्क भी करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो आज आगरा दौरे पर हैं। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे, वहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे पार्टियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए। प्रत्याशियों के पक्ष में आज जनसंपर्क भी करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव आगरा में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा दौरे पर है। हमारे सहयोगी आगरा से प्रदीप रावत फोन लाइन पर जुड़े इस खबर पर। प्रदीप, हमने देखा कि जिस तरह से बसपा ने अपनी रैली की शुरुआत की थी आगरा से, और आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आगरा पहुंच रहे हैं, काफी गहमा गहमी हम कह सकते हैं और चुनावी सरगर्मियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम यहां पर उनका तय है? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का और जैन चौधरी आरएलडी का ये पहली आगरा मंडल के अंदर रैली है और वो यहाँ पर लगभग 12:30 बजे कन्वेंशनल सेंटर पर पहुंचेंगे। वहां पर लगभग आधा से एक घंटा रहेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद वो फतेहाबाद जाएंगे। फतेहाबाद में सपा की जो प्रत्याशी है रूपाली दीक्षित, उसके लिए उनके लिए जनसभा करेंगे। उसके बाद वो वहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए वापस आगरा आएंगे और यहाँ पर एक निजी होटल के अंदर से एक सभा करेंगे। वहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच में संबोधित करेंगे। उसके बाद वो वहां निकलकर लगभग आधा एक घंटा के बाद वो वापस शहर की तरफ आएंगे। प्रतापपुरा और नामदेह में भ्रमण के दौरान वो आगरा ग्वालियर रोड पर जाएंगे, वो आगरा ग्रामीण में वहां पर जनसभा का संबोधित करेंगे और उसके बाद रात को यही विश्राम करेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे उनके दौरे पर अपडेट लेते रहेंगे प्रदीप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की आज संयुक्त रैली पहली बार आगरा में होने जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से बड़ी खबर है। आज दौरा है बसपा सुप्रीमो मायावती का अमरोहा में। अमरोहा का आज दौरा करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बसपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील मायावती करती नजर आएंगी। दोपहर 12:00 अमरोहा पहुंचेंगी पूर्व सीएम मायावती। अमरोहा जोया रोड स्थित जोई मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है।
बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, आज बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती आज अमरोहा दौरे पर हैं। अमरोहा जोया रोड स्थित जोई मैदान में जनसभा का आयोजन है, जिसमें संबोधित करती नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। अमरोहा का आज दौरा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। और जैसे जैसे पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, हम देख रहे हैं कि मायावती की सक्रियता भी अब देखने को मिल रही है। आगरा से उन्होंने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की और आज अमरोहा का दौरा करेंगी मायावती। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का आज गाजियाबाद में चुनावी दौरा है। खोड़ा कॉलोनी में प्रियंका डोर टू डोर कैंपेन करेंगी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, संगीता त्यागी के लिए वोट की अपील करेंगी। दो विधानसभाओं में प्रियंका गांधी वाड्रा आज जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगी। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रियंका गांधी का गाजियाबाद दौरा है। दो विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा जनसंपर्क करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। प्रियंका गांधी का आज गाजियाबाद में चुनावी दौरा है। खोड़ा कॉलोनी में प्रियंका डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, दो विधानसभाओं में भी पहुंचेंगी जहां पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी और जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगी। और सीधे हम रुख करेंगे गाजियाबाद का, हमारे सहयोगी हैदर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है उत्तर प्रदेश में, और जहां तक गाजियाबाद की बात है तो आज किस तरह से जनसंपर्क वो करती हुई नजर आएंगी, और कांग्रेस के जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में है उनके पक्ष में भी आज प्रियंका प्रचार करती हुई नजर आएंगी। जी अमित, आज प्रियंका गांधी जो है आज सबसे पहले विधानसभा 55 जो है, जो साहेबाद जो पूरे देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ पर खोड़ा कॉलोनी जो है उसमें डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर संगीता त्यागी जो है, उनके जो हस्बैंड थे वो प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस के, उनकी कोरोना काल में मौत हो चुकी थी, जिसके उनके बाद उनकी बीवी को ही इसका टिकट दिया गया धर्मपत्नी को, और उनके पक्ष में आज सबसे पहले वो डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आएंगे। और उसके बाद दोपहर गाजियाबाद जो है, यहाँ पर सुशांत गोयल हैं जिनके पिताजी जो हैं कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, उनकी कोरोना काल में मौत हुई थी, तो उनके पुत्र को दिया गया है टिकट, जिसके बाद वो यहाँ पर जो जो विधानसभा 56 की जीत को तय करता है उस क्षेत्र के अंदर रैली करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जनसंवाद करते हुए ये साधने की कोशिश है, इस जहाँ बीजेपी का गढ़ गाजियाबाद को माना जाता है, वहां पर सभी दल अपने अपने दमखम दिखाते हुए और कहीं ना कहीं सीट को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि गाजियाबाद की दो विधानसभा सीट जो है, साहेबाद विधानसभा और गाजियाबाद विधानसभा, एक मेन मुख्य मानी जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां विधानसभा 56 जो है साहेबाद जो है, और विधानसभा 56 गाजियाबाद जो है, उसमें शहर विधायक जो अतुल गर्ग बीजेपी के स्वास्थ्य और राज्य मंत्री भी रहे हैं, और इसके अलावा विधानसभा 55 के साहेबाद की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी विधानसभा भी है, जिसमें भारी वोटों से यहाँ पर जो सांसद है वो भी उन्हें बहुत अच्छे वोट मिले थे, और जो विधायक है उन्हें भी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ जीते थे। तो कहीं ना कहीं और सभी पार्टियां जो है वहीं का अपना दमखम दिखा रही है इन दोनों सीटों को। बिल्कुल, आपने देखा कि सभी पार्टियों का दमखम है और बीजेपी के लिए साख बचाने का सवाल भी है, लेकिन जहां तक जमीनी मुद्दों की बात करें तो ऐसे और कौन से विषय है जिसे लेकर आज प्रियंका जब डोर टू डोर कैंपेन करेगी तब वो जनता के बीच जा सकती है? देखिए, मुद्दा साफ है, क्योंकि यहाँ पर विधायकों के द्वारा कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया गया जिससे जनता खुश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, जितने भी यहाँ के प्रत्याशी हैं जो सिटिंग विधायक रह चुके हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इन एरियों में खासकर विरोध है, और लोग चाहते नहीं है इस विधायक को दोबारा पाना, क्योंकि अभी तक भी किसी प्रत्याशी ने यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया है। जो जितने भी विधायक यहाँ पर सिटिंग विधायक है, यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको नापसंद कर रहे हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी का यहाँ आना और इसी एरिया में इस दौरा करना, कैंपेन करना, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोगों के पास जी, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इन पूरे मुद्दों को कैश करने की कोशिश करेंगी ताकि कांग्रेस के पक्ष में जो प्रत्याशी है उन्हें और मजबूती मिल सके प्रचार के दौरान। बहुत शुक्रिया हैदर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर पूर्वांचल से आपको बता दें, उत्तराखंड में पीएम मोदी की वर्चुअल जनसभा रद्द हो गई है। उत्तराखंड में पीएम मोदी की वर्चुअल जनसभा होनी जा रही थी जो कि रद्द कर दी गई है। प्रदेश में खराब मौसम के कारण यह फैसला हुआ है और पीएम की वर्चुअल जनसभा रद्द हो गई है। आज होने वाली थी पीएम की वर्चुअल जनसभा और जल्द किसी और दिन आयोजित किया जाएगा यह कार्यक्रम। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, प्रदेश में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बारिश और बर्फबारी से पूरा प्रदेश आच्छादित है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली जो होने वाली थी, जिसे जन चौपाल का नाम दिया गया था, उसे फिलहाल आज रद्द कर दिया गया है और फिलहाल कोई दिन अभी तय नहीं हो पाया है कि आगे कब होगी। मौसम विभाग ने भी जिस तरह से अलर्ट जारी किया था और इसी वजह से आपको बता दें आज ये फैसला हुआ है, पीएम मोदी की वर्चुअल जनसभा रद्द कर दी गई है। देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अजीत, हम कह सकते हैं कि मौसम की मार पड़ी है, पीएम की वर्चुअल रैली पर तमाम तैयारियां भी कर ली गई होंगी, लाखों लोग इस जन चौपाल से जुड़ने जा रहे थे लेकिन मौसम की वजह से पीएम की वर्चुअल रैली रद्द हो गई। क्या आगे किसी तरह की जानकारी मौसम विभाग दे पा रहा है कि कब तक प्रदेश में इस तरह का मौसम होगा? क्योंकि जब मौसम साफ होगा तभी ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अजीत की पीएम मोदी की जो वर्चुअल जनसभा है वो हो सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल और आज को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यहाँ बड़ा अलर्ट जारी किया गया था और सीधे तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली वर्चुअल जनसभा को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है और देर रात ही इसके आदेश भी जारी कर दिए गए थे कि वर्चुअल जनसभा यहाँ पर नहीं आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभाओं को आज प्रधानमंत्री ने संबोधित करना था और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये दोनों अल्मोड़ा जनपद से इस वर्चुअल जनसभा में शामिल होने थे लेकिन जिस तरह से बीते रोज से ही लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं, ब्लॉकेज आ चुके हैं कई जगह सड़कों पर, तो इसके चलते प्रधानमंत्री की जनसभा को भी फिलहाल स्थगित किया गया है। और उत्तराखंड भाजपा की तरफ से 5 जनसभाएं प्रधानमंत्री की मांगी गई थी जिसमें आज पहली जनसभा ये अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की होनी थी, इसके बाद 6 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को ये 5 जनसभा यहां पर होनी थी वर्चुअल माध्यम से और 5 लोकसभा क्षेत्रों को इसमें कवर करने की एक तैयारी थी उत्तराखंड भाजपा की, लेकिन पहली जो जनसभा थी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की वो आज स्थगित हो चुकी है। अब उम्मीद है कि 6 तारीख को जो पौड़ी जनपद की यहां पर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की जनसभा होनी है उसको प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। फिलहाल मौसम के ऊपर सब कुछ तय रहेगा कि मौसम क्या कहता है, किस तरह की यहां पर तैयारी होगी, तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अजीत, और आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन आज हो रहा है, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन को लेकर जनपद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी, चंदौली, भदोही के लिए 11 फरवरी तक नामांकन होगा। 3 जिलों के लिए 26 बूथों पर वोटिंग की जाएंगी। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलसी चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसका वक्त निर्धारित है। वाराणसी, चंदौली, भदोही के लिए 11 फरवरी तक नामांकन होगा। 3 जिलों के लिए 26 बूथों पर वोटिंग की जाएगी। वाराणसी में एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।